अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन, क्योंकि मेरे अब्बू अम्मी उमरा हज करके वापस आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी ये गुड न्यूज़ है, और उसी के लिए मैं जा रहा हूँ स्टेशन। अभी रिसीव करने वाला हूँ वहाँ पे, और अभी मैं जा ही रहा हूँ। और ये है केंद्र विद्यालय वन स्कूल, जो कि बुखारो स्टील सिटी में है। फाइनली मैं स्टेशन पहुंच गया हूं, अभी स्टेशन में ही हूं, स्टेशन के बाहर में अभी हूं मैं, और थोड़ी देर में अभी एंट्री करने वाला हूं, और थोड़ी देर में मेरे अबू अम्मी और आने वाले हैं। और बने रहिए वीडियो में, अभी बाहर में हूं, काफ़ी कुछ दिखाने वाला हूं। और चलिए अभी अंदर चलते हैं, बहुत कुछ दिखाऊंगा आप लोग का वीडियो। चलिए, अपने बेटी वाइफ का वेट कर रहा हूँ, वो उधर गई है, उन लोग को लेकर साथ में अंदर जाऊँगा। और मेरा कज़न ब्रदर लोग भी आए हुए हैं, और देख सकते हैं बोकारो स्टील सिटी स्टेशन है ये, काफ़ी सुंदर दिख रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दिखता है, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा गया। और मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हो, मैं वेट कर रहा हूँ अपनी वाइफ का, अपनी बेटी का, और उन लोग को लेके मैं अंदर जाऊँगा। हम लोग बोकारो स्टील सिटी काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन है, ज़्यादा गंदगी नहीं, बहुत अच्छा दिखता है। और अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, और मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ अंदर। और बाहर से भी सीढ़ी बना दिया है, पहले नहीं हुआ करता था सीढ़ी, पहले अंदर जाइए अंदर से, फिर वन से टू प्लेटफॉर्म में जाइए, लेकिन अब बाहर से भी सुविधा कर दिया है। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर टू पे आएगी, और मैं प्लेटफॉर्म नंबर टू पे जा रहा हूँ। और देख सकते हैं आप, हम और ये यार्ड है पीछे, इंजन वगैरह बनाया ख़राब होती है तो वहीं बनाया जाता है। इन सज्जन से पूछा कि ट्रेन नंबर कहाँ पे आएगी, बोगी नंबर, तो बताया कि और आगे जाना पड़ेगा। अभी मैं वही आगे जा रहा हूँ, और मैं आगे आगे जा रहा हूँ, पीछे से मेरे कज़न ब्रदर जीजा लोग भी आ रहे हैं। और देख रहे बोतल में ये फूल है, काफ़ी सुंदर है, फ्लावर दिया हुआ बोतल में है ये। और मेरी बेटी पोज देते हुए, और ये मैं आपका दोस्त, आपका भाई। और थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है, तो दोस्तों अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अनाउंसमेंट हो चुकी है और 10 मिनट में ट्रेन आने वाली है, उसी का वेट कर रहा हूँ और जा रहा हूँ आगे, देखते हैं। और फाइनली ट्रेन आ रही है, और ये लम्हा होता है, काफ़ी खुशी का वक्त होता है। जब गए थे थोड़ा सा नहीं बताए तो आप लोग के थोड़ा सा दुखी हुआ, अभी मैं खुश हूँ क्योंकि पापा मम्मी लोग उमरा हज करके आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ट्रेन आ चुकी है, तो ये खुशी का काफ़ी माहौल है। ट्रेन रुक चुकी है और मैं वेट कर रहा हूँ, अभी हम अप्पू अम्मी आने वाले हैं बाहर। और देख रहे काफ़ी भीड़ है, और लोग भी गए थे उमरा हज में, ये मेरे अप्पू हैं, और मेरे अंकल गले मिलते हुए, ये मेरे जीजा हैं, और मैं अपने जीजा से गला मिल रहा हूँ। ये खुशी के लम्हा होती है, जो काबा शरीफ को छू के, गुम्बदे खजरा को देख के इन लोग आए हैं, काफ़ी खुशी का मंज़र है, और लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, और काफ़ी भीड़ है, और लोग भी उमरा हज पे गए थे। मैं अपने अबू से गले मिल रहा हूँ, और ये मेरी भांजी है, और काफ़ी देख के खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही सलामत पहुँचे। और लोग से हाथ मिला रहे हैं, लोग गले मिले थे। और जिद्दा टू डायरेक्ट दिल्ली इंटरनेशनल में फ़्लाइट थी, दिल्ली टू बोकारो स्टील सिटी, फिर उन लोग आए। और देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हो, और हाथ मिला रहे सब कोई। अल्लाह हम सबको भी हज करने की तौफीक अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। और देख सकते हो मंजर अभी का, और सब कोई बाहर आ चुके, एक दूसरे का हाथ मिला रहे, गले मिल रहे,
और बहुत खुशी का मंजर होता है। ये मेरा बच्चा, ये मेरा गोलू गोलू बच्चा, और सब कोई अभी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा थकावट हुई थी, उन लोग को रेस्ट करें, इसके बाद हम लोग स्टेशन के बाहर निकलेंगे। और अभी सब कोई अभी खड़े हैं, अभी जाएंगे बाहर। और फाइनली ट्रेन निकल चुकी है। अलविदा चचा, फिर कभी काम रहेगा बोकारो से दिल्ली, इसी ट्रेन से जाएंगे। अलविदा, और चचा जा रहे हैं। और फाइनली हम लोग भी धीरे धीरे अब बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोग तो बाहर जाने लगे, हम लोग भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और अम्मी से थोड़ी सी बातें हो रही है, अबू साइड में खड़े हैं और बात हो रही है अबू भांजी से, और बाहर जाएंगे अभी। और बाहर आए तो कुछ अंकल के दोस्त हैं, गला मिल रहे थे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।